नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल का हलवा। इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं एप्पल का पेस्ट, बारीक रवा, देसी घी, शक्कर, बारीक कटे हुए एप्पल के पीसेस और बारीक कटे हुए बादाम। हलवा बनाने के लिए हम पहले घी को कढ़ाई में डालेंगे। अब इसमें हम रवा डाल देंगे और धीरे आंच में इसको धीरे धीरे हिलाएंगे। बारीक रवा लिया है, बारीक रवा को धीरे आंच में सेकेंगे तो यूनिफॉर्म सेकेगा और इसका हलवा का टेस्ट अच्छा आता है। कटी हुई बादाम को अभी डाल सकते हैं आधे सिके हुए में, ताकि बादाम भी सिक जाएगी इसमें। थोड़ी 15-20 ग्राम इसमें कटी हुई बादाम डालेंगे। रवा सिकने में करीब 3 मिनट लगते हैं। धीरे आंच में सेक रहे हैं अपन, करीब 3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। रवा लगभग सिक गया है, अभी इसमें हम पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए सब चीज़ें रेडी हो जाए बनाने के लिए, तभी पेस्ट करना चाहिए, नहीं तो ये एप्पल पड़ी पड़ी थोड़ी ब्राउन हो जाती है। एप्पल की अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अभी इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर करीब 50 ग्राम डाली है, क्योंकि एप्पल खुद मीठी होती है इसलिए इतनी शक्कर बहुत है। लगभग ये तैयार होने वाला है। अभी इसमें छोटे छोटे एप्पल कटे हुए के टुकड़े डालेंगे, जो खाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसमें घी छोड़ना चालू कर दिया है, थोड़ी देर के बाद में इसको अपन बंद कर देंगे। हलवा लगभग पूरा तैयार हो गया है, एकदम घी छोड़ने लग गया है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। अभी इसको एक बॉल में ले लेंगे। एप्पल का हलवा बनके तैयार है। इसमें जो एप्पल का क्रंची पीसेस आ रहे हैं वो एप्पल के फ्लेवर को और अधिक बढ़ा रहे हैं। आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक पर शेयर करें। पापा मम्मी किचन के यूट्यूब और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाया हुआ है। अगले वीडियो में हम बनाएंगे लहसुन मिर्ची का अचार। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।